हेलो स्टूडेंट, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट 2022 का एक प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो पी का मान बताइए। यहाँ पर हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स धन 54 बराबर 0। अब इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बट्टे ए। यहाँ पर हम इस समीकरण की तुलना जब इससे करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारे पास ए मिलेगा 1, बी मिलेगा माइनस बी और सी मिलेगा 54। और समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। यहाँ पर मूल अल्फा बीटा रेशो दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पर अल्फा बट्टे 2 बराबर बीटा बट्टे 3 बराबर यहाँ पर हम के मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर 2 के और बीटा बराबर 3 के। तो यहाँ अगर वैल्यू रखेंगे अल्फा बड़ा बीटा की सी अपॉन ए, सी का मान 1 है और ए का मान, सी का मान 54 है और ए का मान है 1, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर आ रहा है मेरे पास 54। यहाँ से अल्फा बराबर 2 के रख दूंगा, बीटा बराबर 3 के रख दूंगा, तो ये 54 आ जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3 तो 3 × 8 = 24। 2k × k² बराबर 18, 2 से काट दूंगा, k स्क्वायर बराबर 9 और k बराबर √9 यानी 3, तो के का मान मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर मेरे रूट आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे 2×3 यानी 6 और बीटा बराबर आ जाएगा 3×3 यानी 9। और हमें पूछा है पी का मान, तो पी के मान के लिए हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मान माइनस पी है, ए का मान 1 है, इस तरह से ये पी हो जाएगा। तो पी बराबर हो गया अल्फा धन बीटा, तो 6 और 9 पी बराबर 15। तो इस तरह से पी का मान 15 आ चुका है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।